सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल और अदर जस्ट अनदर वीडियो नो चैनल क्योंकि दो वीडियो है चैनल पर बस उनमें से एक पे आठ हज़ार दूसरे पे सौ भी नहीं पहुँचे मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं तो आज हम रिव्यू करेंगे अपनी फायर फॉक्स व्यूजन टू पॉइंट सिक्स ट्वेंटी वन स्पीड एम टी बी का तो इस साइकिल की एज जो है ये तीन साल पुरानी एम टी बी है और ये मैंने एक भैया से ख़रीदी थी वो नानी के घर के पास रहते हैं उन्होंने मुझे ये सेवन थाउजेंड रुपीज़ आई में बेची थी उस प्राइस पे बहुत लचिट है और जब ये न्यू होती है तब तो इसकी प्राइस अराउंड फोटीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ऐसे ही कुछ आती है थोड़ा ओवर प्राइस बोलूँगा साइकिल को क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं बाकी इसके कंपोनेंट्स बहुत सही है तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम फ्रेम से लाइम ग्रीन फ्रेम है ये और इस फ्रेम का डिमेंशन है 19.5 इंच फ्रेम है ये मैक्सिमम साइज फ्रेम है जो फायरफॉक्स फ्यूजन में मिलता है 18.5 भी आता है पर मैं कौन होता हूँ मैंने तो सेकेंड हैंड खरीद हाँ हाँ फ्रेम के बाद अब बात करेंगे हम फ्रंट सस्पेंशन की तो फ्रंट सस्पेंशन से आपको जूम का मिलता है जूम एटी एम mm एम ट्राइवल है ये हाइड्रोलिक नहीं है ना इसमें आपको पी मिलता है ना इसमें आपको लॉकआउट मिलता है और इसकी ट्यूब ज़्यादा ऊंची नहीं है तो इसमें मतलब दो स्पेसर से काम हो जाता है फायरफॉक्स की स्टेम है बहुत लंबी स्टेम है सिरारू की स्टेम इसके आधे ही है और वीपी वीपी की ब्रांडिंग मिलती है तो वीपी की स्टेम है जिसकी भी है मुझे पता नहीं है, हैंडल बार इसका स्टॉक नहीं है ये रिप्लेस कर रखा है मैंने इसका स्टॉक हैंडल बार बहुत पतला था वो मैंने अपनी दूसरी बाइक में लगा रखा है और आगे आपको मिलता है फायरफॉक्स का लोगो वायर्स पुरानी हो चुकी है और बदल चुका हूँ शिफ्ट आपको मिलता है शिमानो सेवन स्पीड वी ब्रेक लिखा हुआ है तो ई ए का शिफ्टर है शायद पुराने मॉडल के इधर आपको मिलता है शिमानो थ्री स्पीड शिफ्टर आप आगे इसका शिमानो टर्नी डर है ओनली टर्नी एस आई एक्स इंडेक्स वगैरह इसमें लिखा रहता है आगे थ्री स्पीड है और पीछे आपको मिलता है शिमानो टर्नी टी एक्स और ये अजीब सा एक गार्ड सा मिलता है तो प्रोटेक्शन ऑफर करता तो है पर इसका एक मिनट गायब हो चुका है सेवन स्पीड का सेट पीछे जो कि बहुत बड़ी नहीं है और नॉर्मल साइज सी स्पीड का सेट आगे वी ब्रेक एट द रेयर वी ब्रेक एट द फ्रंट यहाँ पे टेंशन सही मिलती है और ये ब्लू इलेक्ट्रिक टेप लगाई है प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भी चेंज थे प्रोटेक्शन के लिए है टायर्स आपके डबल वॉल अलॉयज है डिस्क नहीं है जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी ओवर प्राइस लगी मुझे क्योंकि मेरी सेरालो भी मेरे को लगभग 14 या 15 के आसपास ही पड़ी थी और उसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं टायर साइज़ है 2.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट ट्वेंटी सिक्स इंटू टू पॉइंट वन जीरो छोटे टायर है काफ़ी इस पर इसका ओरिजिनल साइज़ था 1.95 के आसपास कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है हरकुलिस के टायर्स है ये मैं रिप्लेस करे थे टायर्स आगे बीस में हरकुलिस का टायर्स है और हैंडल बार जो है वो मैंने ड्रॉप कर रखा है इस में मैंने ऊपर मूव कर रखे हैं और स्टेम मैंने इन्वर्ट कर रखी है ताकि ये थोड़ा एग्रेसिव पोजिशन में आ जाइए सीट जो अब सीट की बात करें तो सीट काफ़ी सॉफ्ट है सो यू डोंट नीड पैडिंग्स और सीट कवर्स जेल सीट कवर्स ये बहुत कंफर्टेबल सीट है आराम से आप लॉन्ग टूर्स कर सकते हो मैं 40 प्लस किलोमीटर्स कर रहा था इसी साइडल पर तो ये बिल्कुल नहीं चुपता है बट जो सिरालो का साइडल है वो बहुत चुपता है उसमें मुझे सीट कवर भी लगाना पड़ता है प्लस मुझे पैडिंग्स भी पहननी पड़ती हैं यहाँ पर आपको फ्यूजन टू की ब्रांडिंग मिलती थी जो मैं उखाड़ चुका हूँ पर ये नहीं निकला है यहाँ पे फायर पॉक्स लिखा आता था वाइट कलर में और उस पर ग्राफिक्स थे ब्लैक वो भी मैं उन सब पूरी डी स्टिकर कर चुका हूँ इस बाइक को अब हब्स की बात करें तो ये अडेप्टेबल हब्स नहीं इनमें डिस्क ब्रेक नहीं लगते हैं आगे भी सेम बट आपके आपको इसमें क्विक रिलीज ज़रूर मिल जाता है जिसका ओरिजिनल लट खो गया था तो मैंने फिर रिप्लेस करा था यू नो वीडियंस लव जुगार्ड्स नो डिस्क ब्रेक माउंट एट द फ्रंट नो डिस्क ब्रेक माउंट एट द रियर इधर घबला बहुत हो रहा है आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई लोग इधर बैठे हैं दोस्तों के साथ कोको वगैरह सब एंड कोरोना 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 इसलिए छत में है सेम लोकेशन पुराने दो ब्लॉग भी आए थे और यहाँ पे आपको बॉटल स्टैंड के लिए दो नट मिल जाते हैं बॉटल स्टैंड मैंने हटा दिया है वो टूट गया था और तो आपको यहाँ पे स्पेयर नट्स मिल जाते हैं वायर्स जो है वो खराब हो चुकी थी काफ़ी वायर्स तो मैं चेंज करी थी वायर्स भी और ग्रिप्स भी आधी कटी हुई है सारे मेरे ही उल्टे काम है नहीं कर सकता तो घर में काम और ये दो नेट सेटअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हैंडल बार तो वो बहुत मूव करता है और ये कभी कभी ढीला भी जाता है फोर नेट सेटअप इज़ द बेस्ट और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं इसको लगभग एक या डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ और यह पता नहीं क्या हो रहा है पीछे ये देखो वन शॉट था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कोई नहीं पर लेट्स गेट बैक टू टॉपिक सो डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ 200 प्लस किलोमीटर राइड कर चुका हूँ मैं भी और मेरे भाई अश्विन भी तो ये उसकी फर्स्ट एम थी उससे पहले वो चला आता था फाइव हीरो रोटर बी एम प्रो तो बी एस बी एम को बेचने के बाद हमने ये ली थी फिर इसको हमने बहुत ज़्यादा राइड करता था जब हमने ली थी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी ब्रेक्स ढीले थे हैंडल पार भी ढीला था उसके बाद हमने थोड़ी ठीक करी थी और रखी अच्छी थी जिस जिसमत ने रखी थी पहले मुझसे पहले भैया काफ़ी से कंडीशन में थी वो अभी भी सेक कंडीशन में है बस थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क की ज़रूरत है थोड़ा सीट में चाहिए और हैंडल बार पे ये प्लास्टिक जो है ये निकला नहीं आज तक तो हैंडल बार पर पे न्यू पेंट करने की ज़रूरत है बाकी इस साइकिल से मुझे दिक्कत एक हुई है कि एक बार पी डब्ल्यू डी के नीचे आ रहा था मैं वहाँ पर चढ़ाई बहुत है तो मैं नीचे आ रहा था वहाँ से अब मैंने आगे का ब्रेक दबाया तो हुआ कि ये जो है ये उस पोजीशन में था जिससे वायर निकलती है तो मैंने ब्रेक दबाया तो मैंने छोड़ा तो वायर बाहर आ गई अब मैंने फिर ब्रेक दबाया तो लीवर पूरा दबा हुआ ब्रेक नहीं लग रहा है मैंने पीछे का ब्रेक दबाया उस दिन मैं गाड़ी से टकराते टकराते बचा बचाऊँ तो मुझे ब्रेक्स पे इसका बिल्कुल भरोसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं अश्विन हल्का है मुझसे इसलिए लग जाते हैं ब्रेक्सिस पे पर जब मैं चलाता हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसके ब्रेक्स हल्की साइकिल है काफ़ी व्हीली वगैरह आराम से पुल कर सकते हो स्टंट्स उतरे नहीं पड़ते इसमें जितने सराबल में हो पाता है तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगर आपको कुछ पूछना हो उसके बारे में तो ज़रूर पूछिए प्लस ये सेल के लिए है सात हज़ार में मैंने खरीदी थी छः हज़ार को दे देगा मैं बेच दूँगा उसको बात खत्म ठीक तो है तो विथ कोको वी एंड दिस ब्लाग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोको बाय